गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो क्या हाल है सबके? सब ठीक? चलिए आज हम जो है सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी जो है इसको कुछ एनिमेशन के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब तक हमने जो पढ़ा है वो सब कुछ हम यहाँ पर आज देखेंगे। देखो, फॉर अ गिवन वॉल्यूम अ स्फीयर हैज़ द लीस्ट सरफेस एरिया। मतलब हमने ये कहा था कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है वो टेंजेंशियल होता है, वो अपनी सरफेस एरिया को कम करना चाहता है। तो इन सारे शेप्स में से सबसे कम जो एरिया एक्वायर करेगा वो लीस्ट सरफेस एरिया वाला सरफेस ये स्फीयर होगा, ठीक है, इन सारे लोगों में। चलिए अब देखते हैं इसको कि ये और क्या हमको सिखाता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि स्फेरिकल शेप क्यों है, तो क्या होता है कि मॉलिकुलर अट्रैक्शन के फोर्सेस जो होते हैं वो सरफेस मॉलिक्यूल्स को नेट डाउनवर्ड पुल करते हैं। कैसे? हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये वाटर मॉलिक्यूल से देखो, और ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल अंदर तो फ्री टू मूव होते हैं, ठीक है, बट ये जो फ्री सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करते हैं, ठीक है। वो तो अंदर भी होते हैं लिक्विड के, लेकिन ये दो फोर्सेस में से ये वाला जो फोर्स होता है इस फोर्स को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। हम यहाँ पर इसको बता देंगे कि ये फोर्स है जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, यानी कि कोहेसिव फोर्स हम किसको बताते हैं। देखो, कोहेसिव फोर्स कौन सा होता है? कोहेसिव फोर्स मीन्स द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसको, ये वाला जो है मॉलिक्यूल, ये सेम मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है सारे के सारे, तो इनके बीच में जो आपको अट्रैक्शन का फोर्स दिख रहा है इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। आप इस बात को नोट करेंगे कि ये है कोहेसिव फोर्स हमारा, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बांधे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा एक और फोर्स एक्ट होता है जिस फोर्स को हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, ठीक है। और ये जो एडहेसिव फोर्स होता है ये डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में होता है, इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, ओके, एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स में आप देखेंगे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये एयर मॉलिक्यूल से समझो और ये वाटर मॉलिक्यूल है, इन लोग के बीच में एडहेसिव फोर्स होता है। तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स में से कोहेसिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और कुछ केसेस में एडहेसिव फोर्स भी स्ट्रांग हो सकता है। और ये जो फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये इनकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है, ठीक है ना, इनकी स्पेसिफिक रेंज होती है। वो रेंज आपको पता है, वो रेंज क्या होती है, हमने इससे पहले देखा था कि इसको रेंज ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और ये जो है रेंज को, अगर हम ये रेंज है समझ लो, और रेंज को हम रेडियस मानकर अगर एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं तो इसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है, ठीक है। हमने ये पॉइंट को पहले भी देखा था। अब ये 10 या 15 मॉलिक्यूल के बराबर इसका रेडियस रेंज होती है, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल है जो कि कम्प्लीटली पानी के अंदर है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है जो कि कम्प्लीटली पानी के अंदर है, कम्प्लीटली इनसाइड वाटर, तो क्या होगा, उसके ऊपर में हर तरफ का जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा होगा, एक जैसा होगा। इसीलिए नेट फोर्स हम क्या बताते हैं उसके अंदर में, इसीलिए हो जाता है नेट फोर्स उसके ऊपर में जीरो, यानी कि ऑल डायरेक्शन में इक्वल फोर्सेस उसके ऊपर में एक्ट करते हैं। ये होता है वेल इनसाइड द लिक्विड। क्या बोलते हैं इसको? वेल इनसाइड लिक्विड। तो वेल इनसाइड लिक्विड पर नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट इज, अगर वो वेल इनसाइड लिक्विड ना हो, और समझ लो कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा सा एयर में जाता है और बाकी का लिक्विड में रहता है, तो आप यहां देखेंगे कि ये जो नेट फोर्स है ये डाउनवर्ड एक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर में मॉलिक्यूल कम दिख रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम है और बाकी के नीचे का जो रीजन है इसके अंदर में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो क्या होता है वो नेट डाउनवर्ड फोर्स से, ये देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ऊपर है जिसमें एयर मॉलिक्यूल बहुत ही नेग्लिजिबल है, देयरफॉर क्या होता है सारा नेट डाउनवर्ड फोर्स इस मॉलिक्यूल को हमारे नीचे की तरफ पुल करता है। तो ये सरफेस फिल्म के अंदर है, ये कहाँ पर है, सरफेस फिल्म में। तो नेट फोर्स जो है ये होगा और डाउनवर्ड होगा। तो अब ये ऐसे देखो, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, इन सारे मॉलिक्यूल्स का नेट फोर्स हम बताते हैं कि ये डाउनवर्ड फोर्स हो रहा है, समझो, ठीक है। अब अगर ये नेट डाउनवर्ड फोर्स है तो इस नेट डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट में इन लोग को खड़े भी तो रहना है, ठीक है, सरफेस में रहना है समझो। तो ये सरफेस पे हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी अभी एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, और नेट डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट में जो खड़े हुए मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर उनके पास में एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ठीक है,
और वो एक्स्ट्रा एनर्जी को हमने क्या कहा था कि वो सरफेस एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी। तो वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी को, अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझते हैं, देखो कि हमारे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना ऊपर में, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना हमारे, ये वाले, ये रीजन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे इस रीजन में, इनके पास में होगी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी, है ना, क्या होगी, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी उनके पास में है, वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। देखिए हमारे लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ पे सरफेस एनर्जी को डिराइव किया था, सरफेस एनर्जी इज टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया, यहाँ पे मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा इसके अंदर में। प्रॉपरली अगर देखा जाए तो ये जो एनर्जी है हमारी, ये सरफेस एनर्जी कब बनती है मैं आपको बताता हूँ। देखो हम क्या करेंगे इसको, ये होगी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी, और क्लैरिटी व्यू लेते हैं हम, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी हमने इसको लिख दिया, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये आपने देखा था कि ये वर्क डन था, और वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया था, है ना, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, तो दैट वर्क डन स्टोर्स एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ओके, तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, अब देखो यहां लिखते हैं, ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम इसको लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन, इट इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी, इसको सरफेस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये करेक्शन आप कर लेंगे कल के नोट्स में अपने, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस एनर्जी जो है उसका डायमेंशन जो आता है वो सरफेस टेंशन के बराबर आता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी थी आपकी, वर्क डन जो था आपका, है ना, वो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ओके, और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे इसको एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन दैट इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी, ये सरफेस एनर्जी के बराबर है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, और सरफेस एनर्जी का जो रिलेशन आपको मिलेगा वो मिलेगा जूल पर मीटर स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप एकदम ध्यान से नोट करके रखेंगे अपने पास में, कि ये जो फॉर्मूला है एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी वाला, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ओके। और ये फॉर्मूला बना सकते हैं हम कि एनर्जी अपॉन एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, या इट इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी, ठीक है। इतना करेक्शन आप इसमें कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल के पास में एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है ना, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके पास में एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ये हम लिखेंगे एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी, है ना, ये ऐसा लिख दिया अपन ने इसको, सरफेस एनर्जी। अब ये सरफेस एनर्जी को कम करना है, और ये जो एनर्जी है आपकी, ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एरिया पर डिपेंड करती है। तो आप क्या करते हो, अगर आप एरिया को कम करोगे तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए हमको एरिया कम करना पड़ेगा। एरिया कम करने के लिए, एरिया जो कम करने के लिए आप फोर्स लगाते हो, वो फोर्स ये वाला है, देखो ज़रा, ये वाला एक फोर्स है जो टेंजेंशियल काम करता है यहाँ पर, ठीक है, इस सरफेस पर टेंजेंशियल काम करता है। यहाँ एक मॉलिक्यूल होगा पेन, यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होगा, वो मॉलिक्यूल को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ किसकी, ये इमेजिनरी लाइन की, ठीक है, ऐसे हो जाता है। SI यूनिट है उसकी न्यूटन पर मीटर, और उसकी CGS यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और ये कन्वर्जन फैक्टर है उसका, न्यूटन पर मीटर टू डाइन पर सेंटीमीटर, उसको आप नोट कर सकते हैं। कौन सा, ये वाला पॉइंट आप देख लेंगे, देखो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे न्यूटन कितना है, 10^5 डाइन पर 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं उसको, और वहाँ से आपको कन्वर्जन फैक्टर ये वाला मिल जाएगा। देखो कन्वर्जन फैक्टर फिर से एक बार,
1 न्यूटन अपॉन मीटर, न्यूटन को डाइन में कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया और ये 10^3 डाइन पर सेंटीमीटर आ गया कन्वर्जन फैक्टर। ये आपको मैं न्यूमेरिकल में बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ओके ठीक है, अब ये देखो वाटर का, वाटर के ऊपर में अगर एक समझ लो एक कोई कीड़ा होता है, स्ट्राइडर होता है, कोई जो है तो मॉस्किटो होता है, तो आप देखते हैं कि वो जब खड़े होते हैं तो उनके जो पाँव होते हैं उनके पाँव की वजह से, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि उनके पाँव की वजह से यहाँ पर ये वो सरफेस टेंशन को ब्रेक नहीं करते हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम ये फोटो देख चुके हैं। और इसी तरह ये वाला एक एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या हमने रखा था, इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं ये एक फ्रेम और ये सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का रिलेशन निकालने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि एक फ्रेम है हमारे पास में, ठीक है, ए बी सी डी, और इसके अंदर में जो ये डी ए है ये आपका एक स्लाइडर है। ओके, ये एक स्लाइडर है मतलब ये मूव कर सकता है, ये लेफ्ट और राइट मूव कर सकता है। ओके, यानी कि हम इसको, इस स्लाइडर को इधर भी लेके जा सकते हैं, इधर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे होगा। अब देखो फिर हमने क्या किया, इसको लेकर एक सोप सॉल्यूशन में डिप किया और सोप सॉल्यूशन में जैसे निकाला तो यहाँ पे हो गए सोप फिल्म तैयार, ठीक है, और ये फिल्म होती है दोनों तरफ से, तो हम इसको लिखेंगे कि ये दोनों तरफ से फिल्म तैयार होती है, टू फिल्म, ठीक है, इस बात को याद रखो, यहाँ पर दो फिल्म तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर एक फिल्म सामने से आपको दिखाई देती है और एक फिल्म पीछे से होती है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लग रहा है सरफेस टेंशन का फोर्स जो कि इसके एरिया को कम करना चाहता है, करेक्ट है, ये सरफेस टेंशन का फोर्स है जो कि इसके एरिया को कम कर रहा है। अब हम यहाँ पर अगर देखते हैं कि ये अगर ये एरिया कम हो रहा है तो फोर्स कितना लग रहा होगा, 2L, ये देखो ये यहाँ पर फिल्म दो है इसीलिए हमने इसको ले लिया 2L into surface tension। अब यहाँ पर S बोले तो सरफेस टेंशन है, हमारे न्यूमेरिकल में हम क्या लेते थे, टी लेते थे, यहाँ पर क्या है, एस है। अब हमने क्या किया, सरफेस टेंशन जितना ही फोर्स बाहर की तरफ आउटवर्ड लगाकर इसका डिस्प्लेसमेंट किया एक्स बाहर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, देखो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया इट इज़ इक्वल टू 2LX, ठीक है, ये डेरिवेशन हमारी हो चुकी है इसलिए यहाँ पर सिर्फ आप समझ लो जो लिखा हुआ है, तो डेरिवेशन हम कम्प्लीट इसकी देख चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा, चेंज इन एरिया इज इक्वल टू 2LX, हमने यहाँ dx लिया था, यहाँ पे इसने x लिया है तो कोई फर्क की बात नहीं है। अब देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 2SL इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया सरफेस टेंशन और ये हो गया 2LX, 2LX बोले तो हमने यहाँ पे लिखा, ये 2LX बोले तो कौन है अपना, 2LX मतलब ये वाला एरिया है, ठीक है, तो ये आ जाएगा चेंज इन एरिया। इस तरह आप देखते हैं ये हो जाएगा सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन एरिया या फिर एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा यूनिट क्या होगा इसकी, जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि जूल पर एरिया, और CGS यूनिट हो चुकी है आर्ग अपॉन स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो होता क्या है कि हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये जो सरफेस पर होते हैं इनके ऊपर में डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होता है, ठीक है ना, इनके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है कम्प्लीटली, और ये डाउनवर्ड फोर्स क्या करता है उनको नीचे की तरफ पुल करता है। बट जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, यहाँ पे हीटिंग हो रही है, देखो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उनके दरमियान जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है और उनका जो मॉलिकुलर अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि सोप सॉल्यूशन जो है अगर हम वो बनाते हैं या डिटर्जेंट ऐड करते हैं या फिर गर्म पानी लेते हैं तो उससे हमारा फ़ायदा क्या होता है। आप अगर देखेंगे जो गर्म पानी होता है, ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे कि इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन घट जाता है, सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, याद रखो सरफेस टेंशन डिक्रीज, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा कब, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। इसीलिए आप देखेंगे कि कपड़े अगर धो रहे हैं, समझो ये एप्लीकेशन है सरफेस टेंशन का, कि अगर कपड़े धोले जा रहे हैं तो कपड़े धोने में गर्म पानी अगर यूज़ किया जाता है तो वो उससे कपड़े अच्छे निकलते हैं, डिटर्जेंट यूज़ किया जाए तो भी कपड़े अच्छे निकलते हैं, क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। हमको कपड़े धोने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना। क्यों रिड्यूस करना, चलिए आपको बताता हूँ क्यों रिड्यूस करते हैं। अगर आपने डिटर्जेंट ऐड किया समझो, या वार्म वाटर है आपके पास में, तो क्या होता है डिटर्जेंट ऐड करने के बाद भी क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है, और सरफेस टेंशन रिड्यूस होने के बाद हमारा जो पानी है वो छोटे छोटे पोर्स में, क्योंकि जो क्लॉथ होता है क्लॉथ के अंदर में कैसे होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे सुराख होते हैं उसमें, है ना, या आप उसको ऐसे जाली कहेंगे, आप उसको बारीक, बहुत ही बहुत ज़्यादा बारीक
माइक्रो साइज की वहाँ पे होती है मैश। तो इस मैश के अंदर में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल जो है, तो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल का जो एक्शन होता है डर्ट के पास, वह इस तरह से होता है। हेयर पिन के जैसे ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, डर्ट के अराउंड में ऐसे स्टिक हो जाते हैं और क्या करते हैं कि सरफेस टेंशन कम होने की वजह से ये ज़्यादा जो है तो पोर्स में जा सकते हैं। अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा तो ये बारीक बारीक के होल्स के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सरफेस टेंशन को हम कम करते हैं। जितना सरफेस टेंशन कम होगा, जैसे कि मैं आपको ऐसे बताऊं कि अगर हमारे पास में समझ लो बैडमिंटन रैकेट होता है ना, ऐसे, ठीक है, बैडमिंटन रैकेट होता है। अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास सरफेस टेंशन अगर पानी का ज़्यादा होता है, ठीक है, तो सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो क्या करता है, इस पूरे लिक्विड के ऊपर में ऐसा फैल जाता है, ठीक है, और वो अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे आपके होल्स है उसमें जा नहीं पाता, ठीक है, और उसमें मैल और जो डर्ट होता है वो जमा रह जाता है। लेकिन अगर समझ लो हम सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के बाद ये जो आपको मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये जो हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर इनका दिखाई दे रहा है ना, ये है हमारे डिटर्जेंट मॉलिक्यूल। तो ये क्या करते हैं, सरफेस टेंशन कम होने की वजह से जो भी डर्ट होगा या ग्रीस होगा, समझो, ठीक है ना, ग्रीस होगा, जो भी चिकनाहट होगी वगैरह, उन सब के अराउंड में ये स्टिक हो जाते हैं, ठीक है, ये स्टिक हो जाते हैं उनके अराउंड में, क्योंकि इनका सरफेस टेंशन हो जाता है कम। सरफेस टेंशन कम होने की वजह से ये उसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं। अगर ये उसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे तब वो जाकर उसको रिमूव कर पाते हैं, ठीक है, और ये छोटे छोटे होल्स जो दिख रहे हैं ना आपको, इन छोटे छोटे होल्स में ये जा पाते हैं सरफेस टेंशन कम होने की वजह से। क्योंकि जितना सरफेस टेंशन कम होगा उतना आप उसका जो है तो वैल्यू ऐसा करोगे कि यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स में आप जाकर अपने मॉलिक्यूल्स लगाओगे, मैल को और डर्ट को उसमें से निकाल पाओगे, ठीक है। या इस तरह से आप देखो, ऑयल अगर है समझ लो, और वो ऑयल जो है सरफेस के ऊपर गिरता है, वाटर सरफेस पर, तो वो स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, वो स्प्रेड हो जाता है, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है। देखो, हम सरफेस टेंशन को फिर इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर समझ लो ये एक बीकर है, इसमें हमने नीडल रखी हुई है, ठीक है, या उसके ऊपर में इंसेक्ट है, ये सरफेस टेंशन को ना तोड़ने की वजह से, यानी कि पानी का जो सरफेस टेंशन होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये उसको नहीं तोड़ते हैं, इसलिए ये उसके ऊपर वॉक कर पाते हैं, ठीक है। और अगर जिस चीज़ ने उसको तोड़ दिया सरफेस टेंशन को, तो वो उस पर चल नहीं पाएगी। और जो हमारा सरफेस टेंशन है उसकी वजह से एक इलास्टिक मेम्ब्रेन इस इलास्टिक सरफेस के जैसा बिहेव करता है हमारा लिक्विड सरफेस, यानी कि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, कॉन्ट्रैक्ट टू प्रॉपर्टी होती है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने, ये समझो कि सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फ्री स्पेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट बिहेव लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन हैविंग कॉन्ट्रैक्टिव टेंडेंसी, है ना। ये जो सरफेस होती है फ्री सरफेस, ये एक कॉन्ट्रैक्टिव टेंडेंसी रखती है और वो बिहेव ऐसा करती है जैसे वो स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमारे पास में देखेंगे आपके कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑब्वियसली ये सारे मॉलिक्यूल्स हमने इनकी स्टडी की है अभी, कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होता है, इसके ऊपर में नेट फोर्स जीरो हो जाता है, ठीक है, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है इसका, और बी वाले और सी वाले मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स डाउनवर्ड होता है। नेट डाउनवर्ड फोर्स होने की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी उनको ना रखना है, क्योंकि स्टेबल अगर रहना है तो कम से कम एनर्जी रखनी चाहिए। तो कम एनर्जी रखने के लिए क्या करेंगे, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम करने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आपको टेंजेंशियल फोर्स लगाना पड़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से एरिया कम हो और कम एरिया के अंदर कम पार्टिकल्स यानी कम मॉलिक्यूल्स एकोमोडेट हो पाए, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो सी और डी जो ये हमारे सरफेस फिल्म के अंदर रखे गए मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, अब इस बात को एक और देखते हैं कि सरफेस टेंशन एक्सपीरियंस बाय द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। यानी कि एक टेंशन होता है, द टेंशन एक्सपीरियंस बाय द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में एक टेंशन होता है अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, और उसको सरफेस टेंशन बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं, देखो कि अगर एक हेयर ब्रश है इस तरह से, ठीक है, अगर वो एयर ब्रश था, लुक एट दिस, एक समझ लो कैमल पेंट ब्रश है एंड डिप इनटू वाटर, इट्स ब्रिसल्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, द ब्रिसल्स क्लिंज टुगेदर एज द फ्री सरफेस ऑफ वाटर फिल्म ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू सरफेस टेंशन। जब आपने इसको अंदर रखा होता है, ठीक है, जब आपने इसको अंदर रखा होता है, समझो ये लिक्विड के अंदर है, तो ये जो ब्रिसल्स होते हैं ना, समझो ये ब्रश है हमारा,
तो इसके ब्रिसल्स जो है ना पूरे ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे। और जैसे आप इसको बाहर निकालोगे, आपने उसको बाहर निकाला, तो आपका जो ब्रश है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, सारे ब्रिसल्स एक जगह आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि दो हेयर्स जो दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले हेयर्स, इनके बीच में देखो पानी की लेयर्स जमा होती है, और ये लेयर्स क्या करती है, अपना एरिया कम करने की कोशिश करेगी, है ना। और जब ये एरिया कम करेंगे तो क्या करेंगे, ये ऐसा फोर्स लगाएंगे ना ऐसे, कम एरिया कम करने के लिए, तो इस तरह का शेप वो ले लेंगे, ठीक है। तो जब हमने उसको बाहर निकाला तो देखो आप ये सब के सब क्लिंच टुगेदर एक जगह पे ये सारे के सारे आ जाते हैं, क्योंकि ये सरफेस जो होती है वाटर सरफेस, उन दोनों के बीच में, दो ब्रिसल्स के बीच में, तो वाटर सरफेस अपने आप को एरिया को कम करना चाहती है, उसका सरफेस एरिया कम करने के लिए होता है, ठीक है। ये केस हो गया अपना। उसके बाद अब ये वाला केस देखो, ये आपको पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर अ सर्कुलर वायर फ्रेम विथ हैंडल, एक सर्कुलर वायर फ्रेम है, हैंडल है उसको, इसको हमने डिप किया सोप सॉल्यूशन में और सोप फिल्म उसके ऊपर तैयार हो गई। अब सोप फिल्म दो तरफ से बनती है, एक ऊपर से और एक नीचे से, ठीक है। पीस ऑफ कॉटन थ्रेड हमने जो है तो प्लेस किया सोप फिल्म के ऊपर में, चलो रखते हैं। अब तो कॉटन थ्रेड टेक्स इरेगुलर शेप, ऐसे कोई भी शेप में उसको कॉटन थ्रेड को हमने रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक नीडल लिया और नीडल से बीच में की जो सरफेस थी उसको तोड़ दिया हमने। तो उसके बीच में की सरफेस तोड़ते ही ये जो थ्रेड है हमारा, वो हमारा थ्रेड जो है वो सर्कुलर हो जाता है। ऐसे क्यों हुआ देखो ज़रा, कॉटन थ्रेड जो है इरेगुलर शेप लेगा, हीट अ शार्प नीडल एंड देन जेंटली प्रिक द फिल्म विद इन द लूप। हमने क्या किया, एक शार्प नीडल लेकर जो बीच में की फिल्म थी, देखो पहले ही ऐसी फिल्म थी, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक्चुअल में दो फिल्म बन रही है, एक ये फिल्म है और एक इसके अंदर की फिल्म है, ठीक है। दोनों भी फिल्म है यहाँ पे एक्चुअली, ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से फिल्म है। यहाँ पर आपने क्या किया, एक नीडल को लिया और नीडल को लेकर बीच में की फिल्म को तोड़ दिया। अब बीच में की फिल्म तोड़ दिया तो फिल्म सिर्फ इधर बची बाहर में आपके, ठीक है ना, ये बाहर में जो फिल्म बची है। अब इसका क्या होगा, तो जो बाहर जो फिल्म बची होगी, वो अपने एरिया को कम करने की कोशिश करती है। मतलब बाहर की जो फिल्म है उसका एरिया समझो A2 है, ठीक है, और अंदर A2 ले लो, और समझ लो अंदर का जो फिल्म का एरिया है उसको A1 ले लो। तो A1 जो है ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए, अगर आप नेट एरिया को रिड्यूस करना चाहते हो तो A1 जो है ये लार्ज होना चाहिए, ठीक है ना, इसको लार्ज होना चाहिए। और ये तो फिक्स है ना, एरिया A2, ये बाहर का एरिया देखो A2, दिस इज A2, और ये जो है आपका ये है A1, ठीक है, इस तरह से। तो देखो फिर हमने क्या किया, जैसे ही इस नीडल से हमने इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक करते ही क्या हुआ, ये सरफेस टेंशन का फोर्स लगा हमारे थ्रेड पर और उसने थ्रेड को हमारे सर्कुलर कर दिया। सर्कुलर एरिया सबसे बड़ा होता है यहाँ पर, ठीक है, तो सर्कुलर एरिया सबसे बड़ा होने की वजह से ये सर्कुलर शेप ले लेगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, फॉर अ गिवन पेरीमीटर अ सर्कल हैज़ द मैक्सिमम एरिया, ठीक है, दस सोप फिल्म पजेसेस मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। तो मिनिमम सरफेस एरिया करने के लिए आपको अंदर का एरिया बड़ा करना पड़ेगा, और अंदर का एरिया बड़ा करने के लिए हमने ये एग्जांपल इससे पहले देखा था कि सरफेस एरिया आपने कम करने के लिए अंदर सर्कल का एरिया बढ़ाना होता है, तो इस तरह से बढ़ जाता है, ओके। फिर यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बताया गया हमको, प्रिपेयर अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर सच दैट द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑलिव ऑयल, ठीक है, मिक्सचर की डेंसिटी ऑलिव ऑयल के डेंसिटी के बराबर हो जानी चाहिए। पुट दिस मिक्सचर इन अ टॉल ग्लास सिलेंडर, इस मिक्सचर को इस ग्लास सिलेंडर में रख देना है, एल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर है वो। इंट्रोड्यूस अ लार्ज ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल इन दिस मिक्सचर, द ड्रॉप विल अज्यूम अ स्फेरिकल शेप, इन दिस केस द अप थ्रस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑन द ड्रॉप बिकम्स इक्वल टू द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लगने वाला है वो mg के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी दोनों की सेम है ना, डेंसिटी सेम है तो अपने को पता है कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू mg उसका वेट हो जाता है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि द अपथ्रस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑन द ड्रॉप बिकम्स इक्वल टू द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट, द ग्रेविटेशनल इफेक्ट आर एलिमिनेटेड एंड हेंस
इवन क्वाइट अ बिग ड्रॉप इज ऑल्सो स्फेरिकल, यानी कि यहाँ पर एक स्फेरिकल ड्रॉप बनेगा, ऐसे हो रहा है देखो, ये देखो फोर्सेस इक्वल हो जाने के बाद ये टर्मिनल वेलोसिटी से समझो नीचे जा रहा है, ठीक है, हमने उसको ड्रॉप किया था, वो टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गया और ये नीचे जाता है तो ये स्फेरिकल शेप ले लेता है सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। इस एग्जांपल को आपने सिर्फ एज ए एग्जांपल भी अगर समझ लिया तो भी ठीक है, और अगर ना समझे तो भी ठीक है, बिकॉज हमारे पास में और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो हमको सरफेस टेंशन का क्लियर आइडिया देते हैं। चलिए और देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ मैं। अगर हमने पानी को पूरा ब्रिम तक कम्प्लीटली फिल कर दिया तो देखो ये पानी की जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा अभी, ये देखो कम्प्लीट हमने यहाँ पे पानी भर दिया, और अब देखो ये जो पानी है आपके पास में, जो आपको पानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कर्व हो चुका है एजेस पे। ये कर्व क्यों हुआ है? ये हुआ है सरफेस टेंशन की वजह से। देखो ज़रा, ये सरफेस टेंशन की वजह से कर्व हो चुका है। वो चाहता है अपना एरिया कम करे, और वो क्या करता है, पानी को होल्ड करके रखना चाहता है, ठीक है, यानी कि वो पानी को बाहर गिरने से बचाना चाहता है, और ये इसको ब्रिम पर होल्ड करके रखेगा। ये सरफेस टेंशन की वजह से अपने एरिया को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। अभी देखो ये वाली जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर देखो कम्प्लीटली आपने क्या होगा, ये जो लिक्विड है आपका, ये सरफेस के एक्चुअली ऊपर चला गया। अगर आप देखेंगे ये जो ब्रिम है इसका, यहाँ पे देखो ये वाला जो है सेक्शन, इस ब्रिम के भी ऊपर चला गया, और ये जो शेप है यहाँ पे कर्व हो चुका आकर। तो ये कर्वेचर किसी वजह से आया, ये कर्वेचर आया है सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। तो सरफेस टेंशन यानी कि ये यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को होल्ड अप करके रखते हैं, ठीक है, ये सब ने एक दूसरे को ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, सरफेस टेंशन को कम करने के लिए हम इसके अंदर सोप ऐड करने वाले हैं। जैसे हम इसमें सोप ऐड करेंगे तो सोप के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, यहाँ का सरफेस टेंशन कम कर देंगे, ठीक है। सरफेस टेंशन कम होते ही क्या होगा, ये पानी बाहर गिर जाना चाहिए। चलो देखते हैं होता है क्या, ये देखो हमने लेकर आए हैं यहाँ पे सोप, और जैसे ही हमने इसके अंदर सोप ऐड किया, ये पानी जो है ये पूरा के पूरा छलक गया, ये इसमें से गिर गया। क्यों? देखो यहाँ का सरफेस टेंशन छूट गया पूरा। जैसे हमने सोप ऐड किया, सोप ऐड करने के बाद में हुआ ये कि ये सरफेस टेंशन हो गया कम, और उसने अपने मॉलिक्यूल को जो होल्ड करने की उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो कम हो गई, रिड्यूस हो गई, इसीलिए क्या हो गया, ये पानी बाहर गिर गया, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास है वो फ्रेम, जो फ्रेम की हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये होता है हमारे पास में कम्प्लीटली, ये फ्रेम है देखो, और इस फ्रेम के ऊपर ये स्लाइडर है, ठीक है, ये आपको स्लाइडर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये स्लाइडर जो है, जब हम इसको डिप करके निकालेंगे पानी में से, तो यहाँ अंदर एक सरफेस फिल्म बन जाएगी, और यहाँ भी बनेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ की फिल्म को अगर तोड़ दें तो ये सरफेस फिल्म जो होगी राइट साइड के सेक्शन में, वो अपना एरिया कम करने की वजह से इसको पुल करेगी अपने तरफ में। चलो देखते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है, ये कैसे होता है। देखो जब हमने इसको डिप किया पानी में, देखो ज़रा, और जैसे हमने निकाला तो यहाँ पे देखो ये फिल्म बन चुकी है, ठीक है, ये एक फिल्म आ चुकी है आपकी, एक फिल्म ये है और एक फिल्म ये आ चुकी है, दो फिल्म है आपके पास में। और जैसे ही आपने इधर की फिल्म को तोड़ दिया तो ये देखो स्लाइडर के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, स्लाइडर पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। देखो आपको दिखाता हूँ, यहाँ की जो फिल्म है आपने उसको तोड़ दिया, वो तोड़ते ही क्या हो गया, ये जो है ये एक फोर्स सरफेस टेंशन का लगने लगा, और ये सरफेस टेंशन का फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन वो एरिया को कम करना चाहता है, ये एरिया को, एरिया जो है इसको रिड्यूस करना चाहता है। एरिया को रिड्यूस करने के लिए क्या करता है, स्लाइडर को मूव कराता है इस साइड पर, ठीक है, वो स्लाइडर को मूव कराता है इस साइड पर। फिर से देखते हैं पॉइंट को, देखो हमने इसको डिप करके निकाला, जैसे डिप करके निकाला तो दोनों तरफ में यहाँ पर देखो सरफेस फिल्म बन चुकी है इस तरह की। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ की सरफेस फिल्म को कट कर देंगे। जैसे इसको कट किया, ये स्लाइडर इधर चला गया हमारा, और ये स्लाइडर अब देखो एम जी वेट की वजह से नीचे आ रहा है। देखो अब ज़रा, ये कट किया, ये चला गया इधर, और अब हम जब इसको ऐसे टेढ़ा करते हैं तो टेढ़ा करने की वजह से क्या होता है मालूम है, यहाँ पर एम जी का वेट लगता है ना, इसको आपने वर्टिकल किया ना, तो वर्टिकल करने की वजह से mg लगता है, और ऊपर क्या लगता है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर, mg नीचे, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो ये फोर्स अगर सरफेस टेंशन का कम होगा, mg ज्यादा होगा तो ये स्लाइडर नीचे जाएगा, और अगर सरफेस टेंशन का फोर्स ज्यादा होगा और mg कम हो गया तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको,
देखा, ये देखो mg ज़्यादा हो रहा है, अब देखो ये नीचे आ रहा है, फिर आप हॉरिजॉन्टल करते हो सरफेस टेंशन ज़्यादा हो गया है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये स्लाइडर मूव कर रहा है एरिया को कम करने के लिए, सरफेस एरिया को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये है वो प्रॉपर्टी, ये है वो एक्सपेरिमेंट जो हम एक्सपेरिमेंट जिसकी बात कर रहे थे कि सरफेस टेंशन जो है हमारा, सरफेस टेंशन जो है वो एरिया को कम करना चाहता है, फोर्स यहाँ पे लगता है। अच्छा, आप यहाँ पर जब इसको वर्टिकल कर देते हो, जब ये फ्रेम को आप वर्टिकल कर रहे थे, ये फ्रेम को वर्टिकल कर रहे थे तो mg ज़्यादा हो गया था, सरफेस टेंशन कम हो गया था। अच्छा, जैसे इसको हॉरिजॉन्टल किया आपने तो mg कम हो गया, क्यों ऐसे? क्योंकि आप देखते हैं कि आपको पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है ऐसा होता है तो इसका वेट नीचे काम करता है mg, है ना, ऐसे वेट काम करता है। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाए तो क्या हो जाता है कि ये mg इधर काम करता है और mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाता है, है ना, mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाता है और mg का दूसरा कंपोनेंट जो है तो इधर चला जाता है, ऐसे कंपोनेंट चला जाता है। तो mg का cos थीटा कंपोनेंट हो जाता है, sin थीटा कंपोनेंट हो जाता है। तो इस तरह से कंपोनेंट्स हो जाते हैं mg के और वो फोर्स हो जाता है कम, और सरफेस टेंशन का फोर्स हो जाता है ज़्यादा। तो जैसे आप इसको हॉरिजॉन्टल करते हो तो सरफेस टेंशन ज़्यादा हो जाएगा, वर्टिकल करोगे तो mg ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक एक्सपेरिमेंट जिससे हमने ये पता लगाया कि एक्चुअल में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था हमारे डेरिवेशन में, क्या वो सही था या नहीं। ओके, तो लास्टली लुक एट दिस एक्सपेरिमेंट अगेन, ये एक एग्जांपल और देखते हैं। We call the needle that flows on the water surface. When a drop of liquid detergent is poured into the water, the needle sinks. Let's understand how detergents affect the surface tension of water. A detergent contains hydrophobic molecular chains and hydrophilic hairs. When the detergent gets dissolved in water, the hydrophilic hairs of the detergent molecules get attached on the water surface and the hydrophobic tail avoids it. This effectively reduces the cohesion between the water molecules and as a result the surface tension of the water decreases. For this reason, the upward force due to surface tension could no longer support the weight of the needle. It's easy to blow bubbles with soapy water and not the tap water, as the soap solution with the lower surface tension is able to spread over a larger area than ordinary tap water. For the same reason, a hot soap solution is preferred for cleaning heavily greased clothes, since the detergent reduces the surface tension of water, which is decreased further on heating. The detergent solution spreads over a larger area and washes the clothes more effectively. तो ये थे हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स दोस्तों, जो हम सरफेस टेंशन के बारे में देख रहे थे। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं और मैं चाहूँगा कि ये दो क्वेश्चन आप उन्हीं फार्मूले से ट्राई करें जिन फार्मूले से हमने इससे पहले बहुत सारे न्यूमेरिकल, हमने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला है, वर्क डन इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया को आप निकाल पाते हो, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, है ना, ऐसे निकाल सकते हो। या फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपके पास में, सरफेस टेंशन इनटू इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ आप जैसे निकाल पाओगे। तो ये दोनों फार्मूले के हेल्प से आपको ये दो क्वेश्चन करने हैं होमवर्क में, ठीक है। ये है आपका आज का होमवर्क और इसको ट्राई करो और देखते हैं हम यहाँ पर ये वर्क डन। देखो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। अ स्मॉल पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, इफ़ अ फोर्स ऑफ 560 dynes इन एक्सेस ऑफ इट्स apparent वेट is required to pull it up from the surface, find the surface tension of water. अब यहाँ पे देखो क्लियर दिया है कि इफ अ फोर्स ऑफ 560 dynes इन एक्सेस ऑफ इट्स apparent वेट, मतलब वेट तो उसका होगा, ऑब्जेक्ट का वेट तो नीचे की तरफ होगा, उस तो वेट के जितना हमको तो ऊपर लगाना पड़ता है। जैसे उसका वेट अगर नीचे होगा 1 kg तो हमको 1 kg ऊपर लगाना पड़ता है उठाने के लिए। लेकिन इसने बोला है कि उसके वेट के अलावा, वेट के एक्सेस में हमको एक फोर्स लगाना पड़ता है 560 dynes का। ये होता है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये कौन सा फोर्स होता है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन हमको ऊपर की तरफ लगाना पड़ रहा है और वो है 560 dynes का। तो सरफेस टेंशन कितना होगा वो निकालो बोला है, ठीक है। स्मॉल पीस ऑफ वायर बोला है, देखो वायर है मतलब कितने सरफेस होंगे, दो सरफेस हो जाएंगे ना, सरफेस हो जाएंगे दो,
यानी कि आप उसका ऐसे ले सकते हैं, टू का फैक्टर ऐड करना पड़ेगा आपको वहाँ पे, टू का फैक्टर आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा, मतलब कि टू टी एल लिखते हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू टू टी एल, ये हो जाएगा आपका फोर्स इज इक्वल टू टी इंटू टू एल फॉर वायर, है ना, वायर के लिए ऐसे चेंज होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सोप फिल्म फ्रॉम 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, ये है आपका पहला एरिया, टू 10 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, ये है दूसरा एरिया ए टू, ये वर्क डन है। तो आपको निकालना है सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म, ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होगा, इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसके ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, दोनों सॉल्व कीजिए और हम इसको कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर में। नेक्स्ट एपिसोड हम थोड़ा सा लेंदी बनाएंगे जिसके अंदर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करना है, और उसके बाद में फिर हमारे और दो एपिसोड बाकी रहेंगे जिसमें आएगा कैपिलरिटी एक्शन, और कैपिलरिटी के अंदर कैपिलरी एक्शन कैसे होता है, उसका प्रेशर, एक्सेस प्रेशर वाले फॉर्मूले वगैरह, और उसके न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच।